नमस्कार दोस्तों, यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक एडसेंस अकाउंट से संबंधित है। दोस्तों, कल यानी 19 फरवरी 2019 को मैंने एडसेंस में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला काम पूरा कर दिया और लगभग 7-8 घंटा के बाद हमें मैसेज भी आ गया, जो मैसेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो ईमेल पर आता है। पहले की प्रक्रिया 2017 में कुछ अलग अपडेट था, कुछ अलग तरीके था, अब वो चीज़ बदल गया है। अब हम YouTube पर या वेबसाइट पर काम करते हैं और एडसेंस में हमारा अर्निंग $10 से ज़्यादा पहुंच जाता है तो सबसे पहला काम करना पड़ता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, आधार कार्ड वाला थोड़ा जल्दी होता है, आधार कार्ड से यदि करेंगे तो वो तुरंत एक्शन लेता है। आपके एडसेंस अकाउंट में $10 से ज़्यादा इनकम आ जाएगा तो ऊपर में एक रेड पट्टी बन जाएगा, उस पर लिखा रहेगा कि आपका पेमेंट होल्ड किया हुआ है और आगे में एक्शन बटन एक बना हुआ है, उस एक्शन पर क्लिक करेंगे तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस पे आप चले जाएंगे। वहाँ पर बोलेगा कि आप ड्राइवरी लाइसेंस और गवर्नमेंट का जो कोई आपका सबूत है वो उसमें अपलोड कीजिए, तो आप उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने का प्रोसेस है, आप बढ़िया से अपने स्मार्टफोन से उसका इमेज ले लीजिए, कैप्चर कर लीजिए साफ़ सुथरा फ़ोटो और उसे अपलोड कर दीजिए। आधार कार्ड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड ही उसमें डालें, क्योंकि वे मतलब जल्दी अप्रूव हो जाता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन उसमें सक्सेसफुल जल्दी होता है, उसमें एड्रेस रहता है। और एक बात, आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही एड्रेस आप एडसेंस में पहले डाल लीजिए, ताकि एड्रेस आपका मैच होना चाहिए, एक समान होगा। अगर एड्रेस में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम होगा तो ये काम वेरिफिकेशन सक्सेसफुली नहीं होगा, तो आपको फिर से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, आप आधार कार्ड से अपने एडसेंस अकाउंट के एड्रेस को पहले मिला लीजिए, एक जैसा एड्रेस बना लीजिए, उसके बाद आप अपलोड कीजिए उस डॉक्यूमेंट को। अपलोड करने के 7-8 घंटे बाद, 48 आवर्स कहता है लेकिन बहुत जल्दी हो जाता है, 7-8 घंटा में मेरा हो गया था। तो उसके बाद आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड के बाद नीचे में कंफर्म का एक बटन रहता है ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करके आप उसको अपलोड कीजिए। आपके पास एक मैसेज आएगा, बोलेगा कि आप मतलब एक टाइम देगा, इस टाइम के बीच में वेरिफिकेशन वाला काम हो जाएगा, हुआ कि नहीं वो आपको ईमेल पर आ जाएगा। मेरा जो अप्रूवल हुआ उसका मैं सबूत आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, आप देख लेंगे। और एडसेंस आइडेंटिटी अप्रूवल के बाद आपका पिन जनरेट होगा, ये मुंबई से आता है, पिन जनरेट होगा, पिन आपके घर तक आएगा, बाय पोस्ट आएगा, वो आपके एड्रेस को वेरीफाई करेगा, पिन रहेगा, पिन आपको मिलेगा, उस पिन को फिर से सिस्टम में जाकर के उसको पिन का नंबर उसमें डालना होता है, फिर सबमिट करना होता है। तो मेरा एक प्रोसेस तो क्लियर है, $10 के बाद वाला प्रक्रिया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाला काम तो हो गया। अब इंतज़ार है पिन वेरिफिकेशन वाला काम। पिन वेरिफिकेशन वाला जो ही हमारे पास आएगा तो मैं लाइव में दिखाऊंगा कि पिन वेरिफिकेशन कैसे होता है, आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, और जो ही हमारा पिन वेरिफिकेशन पिन वाला लेटर आता है तो मैं आपको उसका लाइव दिखाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें वीडियो को और सपोर्ट करें, ये छोटे से फैमिली को ग्रो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित वीडियो ज़्यादा मिलेगा। खासतौर पर YouTube से संबंधित वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो YouTube पर काम कर रहे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो YouTube वीडियो बनाना मेरा मेन मकसद यही है कि ताकि उनको भी पता लगे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सब्सक्राइबर गेन करता जा रहा हूँ, मेरा दोस्त भी वैसे वैसे आगे बढ़ता जाए, यही मेरा मेन मकसद है।
तक के लिए जय हिंद जय भारत।